पार्टीशन म्यूज़ियम बहुत ज़रूरी है क्योंकि पार्टीशन के अभी ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गए हैं. इट इज़ 75 ईयर्स सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट और बहुत सारे मेमोरीज़ और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन उस वक्त की थी वो एक्चुअली हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उस मेमोरी में धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि जो बुज़ुर्ग उस टाइम थे आई मीन दे आर 95 ईयर्स ओल्ड 100 ईयर्स ओल्ड या 80 ईयर्स ओल्ड उनकी मेमोरीज़ भी वीक होती जा रही हैं. उन्होंने पार्टीशन को क्लोजली एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ही विटनेस किया है पार्टीशन को बाय देमसेल्व्स. तो ये ज़रूरी होता है कि और उनकी भी धीरे धीरे उनकी देहांत भी होने लगी है. हमारी जो यंगर जनरेशन है इनको कभी पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था. इसलिए पार्टीशन म्यूज़ियम की मकसद है कि इन पार्टीशन सर्वाइवर्स और जिन्होंने ये दिया था ओरल हिस्ट्रीज़ के माध्यम से इनको रिकॉर्ड किया जाए और इनकी डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ताकि सब्सिक्वेंट जनरेशन्स को क्लोजली पता चलेगा कि क्या हुआ था. ये हमारी हिस्ट्री की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट टाइम और पीरियड है. वी लॉस्ट द पीपल, वी लॉस्ट स्टोरीज व्हेन पीपल वेंट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. इट वॉज नॉट जस्ट फैमिलीज हु वेंट देयर, इट वॉज ऑल द मेमोरीज, इट वॉज ऑल द एक्सपीरियंसेस, इट वॉज द स्टोरीज. एंड टू जस्ट गेन बैक दो स्टोरीज अगैन, पुट इट इन टू द वर्ल्ड, पुट इट इन टू द हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आई थिंक इज़ द एंड गोल ऑफ पार्टीशन म्यूजियम. एंड आई थिंक दे हैव डन ब्रिलियंट जस्टिस टू इट, मेनली बाय you know, like pure narratives. So when these narratives spread out, they sometimes deem to be false or sometimes they are false. But talking to the people who survived partition, who witnessed partition or who heard the stories of partition from their parents, grandparents, I think that is really important because it is an unfiltered version of the entire history. It is not just people's experiences, it's the memories, it's the stories that we keep with us. So the partition story has been documented, like the partition, the survivors went through it. They went through the partition. Before that, आप देखेंगे पहली gallery में towards independence and partition, वो the माहौल की बात कर रहे हैं. उसमें बता रहे हैं कि this is how the different movements which were happening in the country, what was leading to partition. So basically that set the mood and the tone कि क्या हो रहा है. हिंदू भी सुकून से है, मुसलमान भी सुकून से, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी. उठता है दिलो जहाँ से धुआं दोनों तरफ ही, ये मीर का दीवान यहाँ भी है वहाँ भी. तो ये जो सेक्शन है इन्होंने पोइट्री और लिटरेचर की बात की है. जैसे किसी का सितार है जो कि पार्टीशन के बाद लाहौर से वापस राजस्थान में आया था, और ये एक फिल्म सी दिखा रहे हैं जिसमें कि इंडिया के आर्टिस्ट बात कर रहे हैं कैसे पार्टीशन के बाद आर्ट फॉर्म जो थी वो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग चले गए थे तो वहाँ पर जाके काफ़ी फली फूली. तो आज जो बहस कोक स्टूडियो वाली चलती है वो इस वजह से थी. और मेरे पीछे फिल्में हैं, मंटो की बात है, अर्थ है, पिंजर है, वक्त है, जो तमस सीरियल बना था वो है, गर्म हवा MS सत्यू की फिल्म थी. मंटो का जिक्र है तो ये हेडफोन्स लगे हैं जिसमें मेरे ख्याल से कहानियाँ पढ़ी गई हैं, वो आप कान में लगाकर सुन सकते हैं क्योंकि मंटो ने काफ़ी सारी कहानियाँ पार्टीशन के आसपास लिखी थी. एक दौर वो भी था जब मंटो ने रोज़ एक कहानी लिखी थी, दो तरह से 21 कहानियाँ टोटल थी वो, तो वो हर रोज़ एक कहानी लिखता था. एक बार में उसने 9 कहानियाँ लिखी थी, फिर बाकी मेरे ख्याल से 11 या 12 कहानियाँ दूसरी बार लिखी थी. और मंटो बहुत ज़्यादा पार्टीशन का मुखालिफत तो करता ही था, लिखा भी है मज़हब जब दिल से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है. तो इसको एक तरह से समेटने की कोशिश की गई है. पीछे हमने चीज़ें देखी हैं, रेप्लिका भी लगाए गए हैं कुछ टेंट्स के, कुछ
कैसा लोटा किसी का था जो ट्रेन में गिर गया है, उसमें से चूड़ी बाहर निकली हुई है, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने लगाई हैं। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया और हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। आजकल के माहौल में जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़रूरी हमारी हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं उन सबको ओमिट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, जो कलेक्टिव हिस्ट्री है वो एक तरह का थ्रेट पैदा करते हैं टू आर यंगर जनरेशन्स, क्योंकि जब यंगर जनरेशन्स को पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कि उनकी जो फैमिली लीनिएज है वो कहाँ से आ रही है, तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, ना वो अपने देश को जान पाएंगे और एक तरह से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे एक सिनेरियो में पार्टीशन म्यूज़ियम का बनना बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली जब हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा है, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उन्हीं फैमिलीज से जिन्होंने अपने दादा पर दादा अपने पिता को देखा है इन सारी चीज़ों से जूझते हुए। एंड इनफैक्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटिस किया, कई सारी जो इन्होंने ओरल हिस्ट्री कलेक्शन किया है वो और वैल्यू ऐड कर दे, क्योंकि कभी कभार जब हम इन्फॉर्मेशन पढ़ते भी हैं तो हम समझ नहीं पाते, हम उस तरह से उस चीज़ से रिलेट भी नहीं कर पाते, पर जब ओरल हिस्ट्री आती है हमारे पास तो हम एक्चुअली देख पाते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें सच हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। इसको हीरालाल सिब्बल गैलरी ऑफ होप एंड करेज का नाम दिया गया है। इसमें वो है कि कैसे पार्टीशन के बाद लोग, जितने भी लोग यहाँ पर थे उन, वो किस तरीके से रहे हैं। खुशवंत सिंह का इसमें नाम है, हीरालाल सिब्बल का नाम है, और हम आगे चल के देखते हैं तो कोई क्रिकेटर हैं जिनका एक तरह से पुतला बनाया हुआ है काले पत्थर का, तो वो सेक्शन है। पीछे हम शुरू कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो दंश था पार्टीशन का, जो लोगों पर असर हुआ था, जो लोग मरे थे, जिनके घर लूट गए थे, जिनके घर बर्बाद हो गए थे, जिनको ट्रेनों में काट दिया गया था, उनके परिवार हैं, उस सब की बात है। लेकिन बड़ा, जैसे कि म्यूज़ियम होते हैं आमतौर पर, उस तरह की चीज़ है कि बड़ी सजी संवरी सी दिख रही है, क्योंकि म्यूज़ियम इस तरह से होते भी हैं। और जब उस दर्द को दिखाना है तो आप फिल्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरल हिस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह को इस्तेमाल करके दिखाया गया है। और जितना कोशिश हो सकती है कि उसको हम रियल चीज़ें दिखाएं, रियल चीज़ों को उसमें हम शामिल करें, वो इसमें किया गया है।